हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस ब्लीच के बारे में। और ये जो ब्लीच है इसको यूज़ करके ही आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब डिसाइड कीजिएगा कि आप इसे खरीदें या नहीं खरीदें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और प्रोडक्ट के रिव्यू आपके लिए लाती रहूँ। फ़िलहाल ये जो ब्लीच है ये इस तरह की पैकिंग में आती है, ब्लू कलर की पैकिंग में, और ये दो तीन बॉक्स में आती है। जैसे एक इससे पहले जो आता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, और इससे बड़ी वाली पैकिंग में भी आता है। ये फ़िलहाल मीडियम वाली है, और इस पर मेंशन है कि आप इसे डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स को कम करने के लिए और सन टैन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 82 रुपीज़। इससे छोटी वाली पैकिंग आती है 40 रुपीज़ की। और ये जो कंपनी है ये दावा करती है कि ये जो क्रीम है अनइवन जो हमारे हेयर होते हैं उनको गोल्डन कर देती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ब्लीच आपको एकदम से गोरा करा देगी, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो है हमारे ब्लैक हेयर को गोल्डन लाइट कर देना। तो देखिए, मैंने इसे दो बार यूज़ भी किया हुआ है, और फ़िलहाल ये एक टाइम के लिए रखी हुई है। इस तरह की पैकिंग में आता है, इसके साथ आता है ये एक्टिवेटर जिसमें मिक्स करके ब्लीच को लगाया जाता है। और थर्ड जो है, इस तरह के पाउच आते हैं, आप ब्लीच यूज़ करने के बाद इसे फेस पे लगा सकते हैं ताकि हमारे फेस पे एक अच्छा मॉइस्चर मिले। और मैं तो उसके बाद एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, आप जो चाहें आप लगा सकते हैं। और लास्ट में इसके साथ देखिए ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन पेपर आता है जिस पे सब कुछ मेंशन है कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्रीम लेनी है, कितनी क्वांटिटी में एक्टिवेटर लेना है। जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, नहीं तो आपके फेस पर रैशेस टाइप के भी हो सकते हैं। मैं क्लियरली आपको बता दूं, जब भी आप ब्लीच खरीदते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले मिक्स करने के बाद एक पैच अपने हाथ पर लगा कर देखें। अगर आपको उससे ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो प्लीज़ आप उसे यूज़ ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको वो सूट कर रही है तो आप उसको कंटिन्यू रखें। स्पैचुला टाइप का आता है इस तरह से मिक्स करने का, लगाने का, और इससे आप मतलब बाद में उतार भी सकते हैं। तो ये थी इसकी पैकिंग। इस ब्लीच से जुड़े हुए जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं जो कि इस वीडियो से अलग हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी दूसरी वीडियो में। और अगर आपने मेरे और प्रोडक्ट के रिव्यू नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा चैनल पर जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।